नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपके दोस्त, आपकी कोच, आपकी होस्ट एडवोकेट प्रज्ञा भूषण आज हाजिर हूँ एक ऐसे कॉम्प्लिकेशन को लेकर के, लीगल कॉम्प्लिकेशन को लेकर के, जिसके बहुत सारे मेरे पास सवाल आते हैं कि मैम ये HUF क्या है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज लेने में क्या दिक्कत है, अगर हम HUF की प्रॉपर्टी यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसमें क्या लीगल कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, उसमें क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए ताकि हम सेफ रहें, अगर बैंक्स इन प्रॉपर्टीज को मॉर्गेज करके इस पे लोन देते हैं तो उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, सारे बैंक्स इस पे लोन क्यों नहीं देते, तो ऐसे बहुत सारे ढेरों सवाल मेरे पास आते हैं और आज इन सब सवालों का जवाब मैं आपको देने वाली हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के यूजफुल वीडियोज़ आपसे मिस ना हों, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहे मेरे हर नए वीडियो के। तो बात करते हैं दोस्तों HUF की, यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जो कि भारत में हिंदू लॉ के अंडर गवर्न होता है और इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो जॉइंट प्रॉपर्टीज होती है, यानी कि पूरी फैमिली की होती है, जो एक हिंदू परिवार होता है उस पूरे हिंदू परिवार की वो प्रॉपर्टी होती है, उनके ज्वाइंट बिजनेस या ज्वाइंट फंड्स में से वो प्रॉपर्टीज खरीदी जाती हैं। तो दोस्तों इन प्रॉपर्टीज में क्या कॉम्प्लिकेशन है समझने के लिए पहले इन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का स्ट्रक्चर क्या होता है मैं आपको वो बताना चाहूंगी कि कितनी ही बड़ी फैमिली हो इस फैमिली में एक कर्ता होता है। कर्ता यानी कि जो उस फैमिली का ज्यादातर जो कर्ता बनाया जाता है वो उस फैमिली का सीनियर मोस्ट मेल मेंबर होता है। कुछ परिवारों में देखने में आता है कि सीनियर मोस्ट फीमेल मेंबर को भी कर्ता बनाया जाता है या बना दिया जाता है, बट ये बहुत रेयर होता है। जनरली किसी भी HUF में उसका सीनियर मोस्ट मेल मेंबर जो है उसका कर्ता कहलाता है और इस कर्ता को उस फैमिली से रिलेटेड कॉमन डिसीजंस लेने के सारे हक होते हैं, सारे अधिकार होते हैं, जिसको जनरली कोई डिस्प्यूट नहीं करता है। और अगर वो फैमिली के हक में लिए गए हैं, फैमिली के वेलफेयर या वेलबींग के लिए लिए गए हैं, तो ठीक ऐसे ही जो कॉमन बिजनेसेस रन होते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंडर, अगर उस कॉमन बिजनेसेस के कमाए हुए पैसे से या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के एंसेस्ट्रल कॉमन पैसे से अगर कोई प्रॉपर्टीज ली जाती है तो वो HUF की प्रॉपर्टी कहलाती है। ऑल्दो इस प्रॉपर्टी को बेचने का, मॉर्गेज करने का, इसे गिरवी रख करके लोन लेने का अधिकार कर्ता के पास रहता है, हमेशा होता है, और वो सिर्फ अपने सिग्नेचर्स के थ्रू इन प्रॉपर्टीज को लोन ले सकता है या बेच सकता है। बट जो उसमें एक छोटा सा आप कहें क्वालिफिकेशन है कि अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की प्रॉपर्टी को बेचा जा रहा है या उस पर लोन लिया जा रहा है तो उससे जो फंड्स जनरेट होंगे वो फैमिली के वेलफेयर या वेलबींग के लिए ही यूज हो सकते हैं, जिसमें कि जो कॉमन यूज हैं, जैसे कि अगर HUF फैमिली की कोई बेटी है उसकी शादी के लिए पैसा चाहिए, या फिर HUF फैमिली के बच्चों की एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, या उनके कॉमन बिजनेस में फंड्स जनरेट करने के लिए पैसा चाहिए, या फिर उस फैमिली के किसी व्यक्ति की बीमारी के लिए, इलाज के लिए पैसा चाहिए, तो इस तरह की चीजों में ये पैसा यूज किया जा सकता है। अब इसमें जो कॉम्प्लिकेशन आती है दोस्तों कि कर्ता ने आपको प्रॉपर्टी बेची है और हमें नहीं मालूम कि उसने फंड्स जो हैं प्रॉपर्टी के जो से जनरेट हुए हैं वो उसने HUF फैमिली के वेलबींग के लिए यूज किए या नहीं किए, क्या इसमें किसी का डिस्प्यूट आ सकता है, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। ऐसे में जो बाकी के फैमिली मेंबर्स होते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के, जो कि कर्ता के अलावा मेंबर्स हैं, जिन्हें हम को पार्सनर्स कहते हैं, को पार्सनर्स, तो ये जो को पार्सनर्स हैं इनका राइट बनता है और ये उस पर डिस्प्यूट कर सकते हैं कि ये जो फंड्स हैं ये फैमिली के यूज के लिए नहीं हुए या इन्होंने पर्सनल बेनिफिट या पर्सनल प्रॉफिट के लिए वो जो प्रॉपर्टी है उसको मिसयूज किया है, तो इसमें कोर्ट का स्टे आ सकता है, डिस्प्यूट क्रिएट हो सकता है जिससे लोग डरते हैं कि HUF प्रॉपर्टी को खरीदें या फंड करने में। इसका सही तरीका क्या है? तो दोस्तों सही तरीका ये है कि जब भी आप HUF की प्रॉपर्टी खरीदते हैं या कोई बैंक है जो अभी HUF की प्रॉपर्टी है और उसके ऊपर लोन देना चाहता है, फंड करना चाहता है, उसे मॉर्गेज करके गिरवी रख के, तो करना ये चाहिए कि सबसे पहले तो जो HUF है
उसका कर्ता तो आपके लोन पे होगा ही होगा, मतलब आपके लोन स्ट्रक्चर पे होगा, या आप खरीद रहे हैं तो कर्ता के थ्रू ही खरीदेंगे। इसके अलावा आप उस HUF के हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिस्ट ऑफ को पार्सनर्स जो है जरूर ले लें, अटेस्टेड कॉपी, जो जनरली चार्टेड अकाउंटेंट जो उसके ITRs फाइल करता है या फिर कंपनी सेक्रेटरी के द्वारा अटेस्टेड होते हैं, तो आप लिस्ट ऑफ को पार्सनर्स जरूर ले लें, जिससे आपको एग्जैक्टली पता लग जाता है कि उस समय में उस पर्टिकुलर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में कितने लोग हैं, कितने मेंबर्स हैं, कितने को पार्सनर्स कर्ता मिलाकर के हैं। और प्लस उसमें ये भी मेंशन होता है कि कर्ता कौन है उस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का। नंबर 2, कर्ता के अलावा जितने भी को पार्सनर्स हैं, अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या लोन दे रहे हैं उस प्रॉपर्टी पे, तो कोशिश कीजिए कि आपके सारे को पार्सनर्स या तो लोन में को बोरोअर्स बने, या फिर जो आप परचेस कर रहे हैं तो आपकी सेल डीड में कंफर्मिंग पार्टी बन जाए। अगर ये भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है और को पार्सनर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो दूसरा जो आप कर सकते हैं कि लिस्ट ऑफ को पार्सनर्स के हिसाब से जितने भी को पार्सनर्स बनते हैं, उन सबसे आप स्टैम्प पेपर पे NOC कम डिक्लेरेशन ले लें कि इस प्रॉपर्टी को बेचने में या फिर इस प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करने में उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, यानी कि उनका नो ऑब्जेक्शन ले लें और डिक्लेरेशन ले लें, जिसको आप नोटरी पब्लिक से अटेस्ट करवा के रख सकते हैं। तो ये एक आपका स्ट्रॉन्ग प्रूफ हो जाता है कि कल को कोई को पार्सनर अगर ऑब्जेक्शन उठाता है तो आप के पास प्रूफ है कि उसकी नो ऑब्जेक्शन थी और उसके बाद ही आपने खरीदा है, तो आपका डिस्प्यूट के जो चांसेस हैं कम हो जाते हैं। इसके अलावा जो बात ध्यान रखने वाली है दोस्तों, कि अगर इसमें मेल मेंबर्स जो भी को पार्सनर्स हैं, तो कोई भी HUF फैमिली में मेल को पार्सनर जो है प्रॉपर्टी की पार्टीशन के लिए इनिशिएट कर सकता है और प्रॉपर्टी पार्टीशन के लिए नोटिस दे सकता है कर्ता को। तो ऐसे में अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं सिर्फ कर्ता के थ्रू और को पार्सनर्स का NOC नहीं ले रहे हैं, तो जो सबसे बड़ा डर है वो है इस क्योंकि सब कुछ इंटरनल होता है, बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, तो इसमें फ्रॉड का या मल्टीपल सेलिंग का बहुत ज़्यादा चांस होता है। हो सकता है कर्ता ने किसी एक को पार्सनर को उसके हिस्से की प्रॉपर्टी गिफ्ट डीड कर दी हो और वो आगे किसी और को भी बेच चुका हो और आपको पता ही ना चले, या इंटरनल फैमिली ट्रांजैक्शंस हो गई हो, पार्टीशन हो चुकी हो प्रॉपर्टी की, आपको मालूम ही ना हो और कर्ता के पास जो ओरिजिनल मेन डॉक्यूमेंट है उसके थ्रू वो प्रॉपर्टी बेच दे आपको, क्योंकि कर्ता तो वो था ही, वो प्रूव कर सकता है और डॉक्यूमेंट भी मेन डॉक्यूमेंट उसके पास होगा तो प्रॉपर्टी आगे बेच भी सकता है। तो इसका सही तरीका यही है कि आप को पार्सनर्स का NOC जरूर लें, उसके बिना को पार्सनर्स की कंसेंट के बिना आप वो प्रॉपर्टी ना खरीदें या फिर उसको आगे मॉर्गेज ना करें। अब कुछ लोगों का दोस्तों एक स्पेसिफिक सवाल आता है कि अगर ये प्रॉपर्टी पीछे कहीं चेन में HUF की थी लेकिन उसके बाद इंडिविजुअल को बिक चुकी है और उसके बाद एक दो सेल ट्रांजेक्शन और हो चुकी हैं, तो उस केस में क्या हमें NOC को पार्सनर्स का और लिस्ट ऑफ को पार्सनर चाहिए क्या? तो बिल्कुल दोस्तों, हमें बिल्कुल चाहिए उस केस में भी, क्योंकि अगर पहले प्रॉपर्टी बिक चुकी है उसके बाद आगे एक दो सेल ट्रांजेक्शन्स और हो चुकी हैं, तो भी हो सकता है उनके किसी को पार्सनर ने इस सेल पे ऑब्जेक्शन उठाई हो, उसने आगे केस किया हो और कोर्ट में केस चल रहा हो जिसके बारे में आपको मालूम ही नहीं है। तो जो भी पीछे की चेन में जिसने खरीदा था, अगर उसने NOC और लिस्ट ऑफ को पार्सनर्स नहीं लिया था, तो चांसेस है कि इस प्रॉपर्टी पे शायद कोई डिस्प्यूट हो, तो उस शायद को कम्प्लीटली निगेट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि अगर पिछली चेन में भी HUF की प्रॉपर्टी कभी रही हुई है, तो अगर उसमें लिस्ट ऑफ को पार्सनर्स और सभी को पार्सनर्स का NOC है, तो आप सेफली इस प्रॉपर्टी को खरीद सकते हैं या मॉर्गेज कर सकते हैं और आपके फंड्स पे कोई आंच नहीं आएगी, आपका पैसा डूबेगा नहीं। तो ये था HUF प्रॉपर्टी से रिलेटेड आज का वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आपकी कोई और क्वेरी होगी अगर HUF प्रॉपर्टी को लेकर के, तो आप मेरे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, शब्बा खैर।